भोजपुरिया किंग और पावर स्टार जैसे कई उपनामों से प्रचलित भोजपुर के लाल सुपरस्टार गायक व अभिनेता पवन सिंह पूरे दल बल के साथ पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह के गांव जहानाबाद कल्पा में। हम आपको बता देना चाहते हैं कि विजय सिंह जो 13 जुलाई को भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पटना विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि उसी समय विजय सिंह की मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस का कहना था कि सीसीटीवी कैमरा के अनुसार, जो सीसीटीवी कैमरा प्रशासन ने प्रोवाइड किया था उसके अनुसार विजय सिंह की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। विजय सिंह घटनास्थल पर तो पहुंचे ही नहीं थे। तो जैसे ही पावर स्टार पवन सिंह को इसकी खबर, जैसे ही इसकी सूचना मिली, हालांकि मैं आपको बता दूं कि पवन सिंह की शूटिंग लखनऊ में चल रही थी, जानकारी मिलते ही जैसे ही शूटिंग खत्म हुआ पवन सिंह विजय सिंह के परिजनों से मिलने जहानाबाद बुधवार को जहानाबाद के कल्पा गांव में पहुंचे, जहां पे उनके परिजनों से मिलकर 1,00,000 रुपये का सहयोग राशि, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि 1,00,000 रुपये की सहयोग राशि पवन सिंह ने उनके परिजनों को चेक के माध्यम से दिया। इतना ही नहीं, पवन सिंह ने कहा कि जब भी आप लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम विजय सिंह के परिवार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। पवन सिंह को देखने के लिए हजारों की संख्या में फैंस उमड़ पड़े। मीडिया से मुखातिब होने के मूड में पवन सिंह नहीं दिखे, फिर भी जब मीडिया वालों ने पवन सिंह को घेर के चुनावी मुद्दों पर सवाल करने की कोशिश की तो मीडिया के सवालों से कटते नजर आए पवन सिंह। उन्होंने कहा कि यह समय बातचीत करने के लिए उचित नहीं है, हम विजय सिंह के परिजनों के साथ खड़े हैं, जब भी हमारी जरूरत होगी हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पवन पवन भैया, आप यहाँ आए हैं बीजेपी के परिजनों से मिले, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कुछ नहीं, अभी सवाल जवाब करने का समय नहीं है, बस यही बोले ऐसे दुख की घड़ी में हम इस परिवार के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। क्या सरकार जो वर्तमान सरकार है उसके लाठी से मौत किया जाएगा? अरे चल भाई, अरे भैया,